अंबाला की अनाज मंडी में रविवार तड़के अचानक आग लग गई। इससे शेड के नीचे रखी बोरियां और गेहूं जलकर राख हो गया। दमकल विभाग की 15 गाड़ियां सुबह से आग बुझाने पर लगी रही। दोपहर 2 बजे तक आग नहीं बुझ पाई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। नुकसान का सही आकलन अभी नहीं किया जा रहा है। मौके पर मौजूद हैफेड के कर्मचारियों ने बताया कि रविवार अल सुबह 4:30 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक अनाज मंडी के एक शेड में आग लग गई। इस शेड के नीचे खाली बोरियां वो 170 टन गेहूं जलकर राख हो गया। हालांकि इस बीच बारिश होती रही, लेकिन आग शेड के नीचे लगी थी। अंबाला सिटी, अंबाला कैंट, नारायणगढ़ कैथल, आर्मी कैंट, कुरुक्षेत्र व पंचकुला से बुलाई गई करीब 15 गाड़ियां आग बुझाने में लगी रही। मंडी में हमारी गांठें लगी हुई थी, थोड़ा सा वेट भी था 170 टन के करीब। उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण आज सुबह 4:30 बजे के आसपास आग लगी। अचानक आग लगी, हमें मैसेज मिला, हमने गाड़ियां भेजी। तो अब तक मौके पे कितनी गाड़ियां आ चुकी हैं? अब तक अंबाला सिटी से 4 है, अंबाला कैंट से 2 हैं, 2 नारायणगढ़ से हैं, 1 कैथल से है, 1 आर्मी से है और 1 कुरुक्षेत्र। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।